तुम्हारी फोटो मैंने माँ को दिखाई। तो फिर माँ जी क्या बोली? माँ को बहुत पसंद आई। तुम्हारी फोटो देखकर माँ ने कहा कि जरूर ये कोई खानदानी लड़की है। मेरी माँ की भी काफी उम्र हो गई। विनोद, क्या माँ ये जानती है कि मैं एक नर्तकी हूँ, गरीब परिवार से हूँ? मैंने माँ से सब बता दिया, तुम चिंता मत करो। अब खुश? मुझे माँ जी से मिलना है जल्दी। आज तक मुझे कभी भी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, इसलिए। चलो। उतने पैसे नहीं है मिस्टर दिनेश, मेरे बारे में तो तुम जानते ही हो ना। बाकी पैसे भी निकालो और फिर जाओ। वो मैं बाद में दे दूंगा। तुम बाद में नहीं, अभी दोगे। पूरे पैसे लेने के बाद ही मैं जाने दूंगी। मैं जरूर बाद में दूंगा। तुम बाद में कहां से दोगे जरा देखूं तो। ये मैंने घर खर्च के लिए रखे थे। ओहो, बड़ा आया घर खर्च। मगर मेरे पास आते समय तुम्हें बाल बच्चों की याद नहीं आई है ना? तो फिर मैं चलता हूँ। अरे रुको रुको रुको, ऐसे भी क्या जल्दी है? वो दरअसल बच्चों के लिए। सुनो, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। मैं वो क्या है कि जाओ चलो। माई, बहुत भूख लगी है माई, मुझे खाना खाए पूरे 2 दिन हो गए हैं माई, खाने के लिए कुछ दे दीजिए। तुम्हारे ये माँ बाप नहीं है क्या? बाप नहीं है माई, वो तो मर गए। माँ जिंदा है मगर वो बहुत बीमार है माई। दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास। लो, अब से तुम किसी के आगे हाथ मत फैलाना। तुम्हें जब भी पैसे चाहिए मेरे पास से आकर ले लेना। देखो यहाँ से चौथा घर ही मेरा है। अच्छा माई, ठीक है, जाओ। हाय। बहुत बढ़िया डांसर है यार, डांस तो इसका मैं देख चुका हूँ। मुझे बहुत पसंद है यार, डांस मात्र ही नहीं तुम दिखने में भी बहुत सुंदर हो। सुंदर नचनिया, बस तुम्हें पाने की एक इच्छा है। हाँ। वो भी आज पूरी हो जाएगी।
हाय माँ। हाय, इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त सचिन, और सचिन ये मेरी इकलौती सहेली है प्रेमा। हाय। हेलो। सुनो, मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। सॉरी सचिन, एक मिनट तुम अंदर बैठो, मैं भी आती हूँ। ऑलराइट। ये भी कोई जिंदगी है? मैं कितनी बार तुमसे बोल चुकी हूँ, अनजान मर्दों के साथ घूमकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। आबाद कब थी, जो बर्बाद हो जाएगी। तू भी बुरी उल्लू है, खिलौना समझकर मेरे जिस्म से खेलकर मुझे इस रास्ते पर लाने वाले मर्दों से मुझे नफरत है प्रेमा। कभी किसी पर भरोसा मत करना, असली चेहरा छुपाकर हमारे सामने प्यार का नाटक करेंगे और बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, और सब कुछ हो जाने के बाद वही मर्द तुम नहीं समझ पाओगे प्रेमा। सारे के सारे ऐसे नहीं होते, अच्छे आदमी भी हैं। हो सकते हैं, मगर मेरी जिंदगी वैसी नहीं है प्रेमा। पैसा, दौलत, अब यही मेरी जिंदगी है। अब मैं प्यार का व्यापार करती हूँ, बस मैं पुरानी यादों को सोचती हूँ तो दुखी हो जाती हूँ। नहीं, मैं जानती हूँ, तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाए तो तुम बदल जाओगी, तुम फिर से सभ्य बन जाओगी। अब बस भी करो, तुम्हारे ये उपदेश मेरे दिमाग में नहीं चढ़ेंगे। बोर हो गए क्या? सॉरी डार्लिंग। नो प्रॉब्लम। आपका टेलीग्राम। चले जाओ, वहां के बाकी काम भी देखने होंगे, क्या करें। चलो जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। ये लो।
गुड़िया रेखा उठो उठो भी। मुझे सोने दो ना दीदी। अब उठो ना, उठ भी जाओ। सुनो, पढ़ाई खत्म करने के बाद फिर सो जाना। जल्दी उठो, चलो चलो। रेखा एक मिनट रुको ना, कहाँ जा रही हो? अपने बाल तो पोंछ लो, ठंड लग जाएगी। दीदी कुछ नहीं होगा, मैंने अभी तक जितनी भी रैंक ली है सब फर्स्ट क्लास में ली है। अब मैं भी कोई काम करना चाहती हूँ दीदी। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम एक डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करो बस। तुम्हारा डॉक्टर बनना इस दीदी का सपना है। तुम पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। परंपरा निभाने वाले माधव राय की बेटी प्रेमा का जो सिलेक्शन है बढ़िया तो लगेगी तुझे तो। दीदी तुम शहर मत जाओ ना, तुम इतनी दूर चली गई तो तुम्हें देखने के लिए मैं क्या करूंगी? तुम जब भी मुझे देखना चाहोगी तुम्हारी दीदी तुम्हारे सामने होगी। अब तो खुश? और फिर तुम्हारे साथ हमारे पिताजी समान शंकर मामा भी तो हैं। मैं प्रेमा बेटी को गाड़ी पर बिठा कर आता हूँ, ठीक है? चलो बेटी। शहर में कौन सी नौकरी कर रही हूँ ये रेखा को बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरा एड्रेस भी उसे मत बताना, केवल उसे ही नहीं किसी को भी नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो बेटी। शंकर मामा, रेखा को पढ़ने के लिए कॉलेज जाने आने के लिए पास में ही कोई मकान किराए पर लेकर दे देना, उसे कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। इस शंकर मामा के होते हुए रेखा को कोई कमी महसूस नहीं होगी, तुम इत्मीनान रखो। चलो सबागिन का चेहरा भी देखना तुम्हारे नसीब में नहीं था। मेरा आने का थोड़ा सा इंतजार तो करना था। उस बॉडी को ज्यादा देर नहीं रख सकते थे। तुम्हारा शंकर मामा बिल्कुल असमर्थ था बेटी, उन्होंने मुझे कुछ करने भी नहीं दिया। कौन थे शंकर मामा, कौन थे वो, आखिर हुआ क्या था? वो
वो रेखा नहीं मरी बेटी, उसने आत्महत्या की है। शंकर बाबा, पिछले बर्थडे पर तो तुमने मुझे धोखा दिया था, मुझे इस बर्थडे पर धोखा मत देना। मुझे बहुत डर लग रहा है प्रदीप, जो कुछ भी हो शादी की बात। इसमें डरने की क्या बात है, मैं तुम्हें धोखा दूंगा तुम ऐसा सोचती हो, मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा तो है मगर शादी से पहले। वो सब पुरानी बातें हैं, आजकल सब उल्टा हो गया। छी, अब तुम जाओ। हाय, हाय स्टीफन। बहुत चमक रहे हो, क्या बात है? बढ़िया लड़की फांसी है। तुम जैसा सोच रहे हो वैसी नहीं है, इस समय शादी करने वाला हूँ, नाम है रेखा। अच्छा मैं चलता हूँ।